बच्चों अब हम आपको विलोम शब्द बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये दो घर बने हुए हैं, दोनों पड़ोसी हैं। कैसे पड़ोसी? तुमने देखा होगा पड़ोसी में अक्सर बनती नहीं है, कोई इधर जा रहा है उत्तर में तो कोई जा रहा है पश्चिम में, कोई पूर्व में जा रहा है तो किधर जाता है पश्चिम। मानता ही नहीं है उसका कहना, मानता है क्या? पड़ोसी पड़ोसी की नहीं मानता आज के जमाने में। कुछ है ऐसे जो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घर बने हुए, एक घर ये एक घर ये, इसके जो जो लोग रह रहे हैं इसमें, यहाँ से सुनो, जितने लोग रह रहे हैं एक दूसरे की नहीं मानते हैं, कोई पूर्व जा रहा है तो कोई पश्चिम जा रहा है। तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं मैं तो उल्टा करूंगा। तो क्या करते हैं? हमेशा उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? तो देखो कौन क्या कर रहा है। सबसे पहला एक मेंबर है जिसका नाम है हानि, क्या नाम है इसका? ये टकरा गए इधर के एक दूसरे घर वाले से, टकरा गए। टकराने के बाद क्या हुआ? हानि का उल्टा होता है तुम्हारा यहाँ पर क्या होता है? इससे टकरा गए, लिखा है कहीं? हाँ लिखा हुआ है, इधर लिखा है नीचे नीचे ये लिखा है। ये कह रहा मैं तो नुकसान कराऊंगा तुम्हारा, ये कह रहे हैं मैं फायदा कराऊंगा तुम्हारा। क्या कराऊंगा? फायदा। तो नुकसान को क्या बोलते हैं? हानि। तो हानि का उल्टा क्या होगा? लाभ। ये कह रहे हैं मैं फायदा कराऊंगा, जब उधर चल जाए दूसरे घर वाला, पहले घर वाला कह रहे मैं तो नुकसान कराऊंगा तुम्हारा बेटा, क्या कराऊंगा? नुकसान। तो हानि का विलोम शब्द हो गया लाभ। क्या हो गया? लाभ। उल्टा हो गया, आ गया स्वर्ग। क्या आ गया? इस घर में एक मेंबर रहता है जिसका नाम है स्वर्ग, है? अब दूसरे घर में देखो इसका क्या होगा उल्टा, इससे दोस्ती करेगा, ये करेगा नरक से आके, इससे करेगा नरक से। ये स्वर्ग में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? देखो उल्टा जा रहा है। तो स्वर्ग का क्या हो गया? दोनों घर वालों की मन नहीं रही है, बिल्कुल दुश्मन है एक दूसरे के। क्या है ये? एक दूसरे के दुश्मन है। अच्छा तो स्वर्ग का बच्चों क्या हो गया? ना फिर जा गया, ये आया सम। एक मेंबर है इसका सम, सम मतलब यानी कि संख्या है जो दो से कट जाती है, विषम वो होती है जो कटती। देखो जस्ट उल्टा चल जाए, ये भी सम का क्या होगा? फिर आया किरह, किराया मानी खरीदना, ये कह रहा मैं तो खरीदूंगा भाई वो चीज, ये दूसरे घर वाले कह रहे मैं तो बेचूंगा, तुम तो खरीदोगे मैं बेचूंगा। तो किराए का विलोम शब्द होगा विक्रय। देखो ये आ गया, ये कह रहा मैं बेचूंगा, ये कह रहा मैं खरीदूंगा, दोनों उल्टे जा रहे, दोनों उल्टे जा रहे, दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं विचार। अब देखो आदान, आदान आना हमारे पास कोची आ रही है, ये तो कह रहा इसके पास आ रही है, ये कह रहा मैं तो नहीं लूंगा मैं तो बांटूंगा, मैं क्या करूंगा? प्रदान करूंगा। आदान का होगा प्रदान। देखो जश्रता ये भी चल रही है, दुश्मनी है चल रही है, दोनों घर वालों में दुश्मनी है, समझ रहे हो? ये दुश्मन इसका है, ये दुश्मन इसका है, इसलिए यानी एक पूर्व में जा रहा है एक। अब आया प्रेम, ये कह रहा है मैं सभी से प्रेम करूंगा, मैं तो सबसे अच्छी तरीके से बोलूंगा, ये कह रहा है तू कर प्रेम, मैं तो नफरत करूंगा सबसे, क्या करूंगा? नफरत करूंगा मैं तो प्रेम का उल्टा क्या हो गया? नफरत। ये वाले घर वाला बहुत सता है, ये उल्टा चलता है, चल रहा उल्टा। yes, sir. ये कह रहे मैं प्रेम करूंगा, इस घर के लोग कह रहे हैं, इस घर के लोग कह रहे हैं मैं तो नफरत करूंगा बच्चे। तो प्रेम का विलोम शब्द क्या हुआ? आगे हार, ये हार गया, क्या हुआ इसके लिए?
लेकिन ये अब की यानी मार गया हाथ तो क्या होगा इसका हाथ का जीत, इसने जीत लिया। अब अच्छा काम करा थोड़ा हार का जीत, ये हार रहा बेचारा, ये जीत रहा, दोनों लड़ रहे। अगला निम्न, निम्न मानी छोटा, छोटा निम्न मानी छोटा, ये छोटा बेचारा ये कह रहा मैं बड़ा हूं, मैं उच्च हूं यार, मैं क्या हूं ऊंचा। निम्न का उल्टा विलोम शब्द क्या होगा उच्च, उच्च माने ऊंचा। आ आदि, ये शुरू कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आदि माने शुरू करना और ये अंत करेंगे, क्या करेंगे ये खत्म करेंगे, ये शुरुआत करेंगे लड़ाई, ये खत्म करेंगे आके। तो आदि का विलोम क्या हुआ अंत, ये अंत कर रहे हैं भैया, हटाओ दुनिया से मिटा रहे हैं। अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा है इस घर में, क्या है इस घर में इसने उजाले उजाला घर में है तो अंधेरे का क्या होगा अंधेरे का उजाला होगा। अब आज यहाँ पर रात हो गई है तो ये कहेंगे मेरे घर तो दिन है भैया, मेरे घर क्या तो रात का उल्टा होगा दिन। फिर आया आय, ये कमा रहा है इस वाले घर के लोग कमा रहे हैं, इसको तो लोग खर्च कर रहे हैं, बोले तू कमा मैं खर्च करूंगा, क्या करूंगा हाँ आय मानी धन, धन आना। और व्यय मानी होता है खर्च करना, ये कह रहे मैं तो खर्च करूंगा, तुम कमाते रहो बेटा, कमाते कमाते थक जाओगे तुम, तो आय का क्या होगा व्यय। अब आया दूर, दूर का क्या होगा ये दूरी है, दूर बना पड़ा है, दूर का क्या जाएगा बोले मैं तो पास रखूंगा सबको यार, तुम दूर रखो अपने लोगों को, मैं अपने घर वालों को रखूंगा अपने पास। ये कह रहे यार ये क्या कह रहे यार मैं तो दूर रखूंगा भैया, समझ रहे हो रसगुल्ले आएंगे सब खा जाएंगे मिलके यार, मैं अकेला खा करूंगा अकेला रखूंगा तो। गुण, गुण मानी अच्छाइयां होती है, गुण मानी क्या होती है अच्छाइयां, इन घर वालों के अंदर बहुत अच्छाइयां है लेकिन इस वाले घर के अंदर क्या है बहुत बुराइयां है, क्योंकि ये प्रेम कर रहा है ये नफरत कर रहा है, तो गुण का दोष बहुत बुराइयां है इसके अंदर। सत्य, ये हमेशा गांधी जी हैं, ये सत्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये सत्य बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, इस घर वाले झूठ बोलते हैं, देखो सत्य का असत्य, ये झूठ बोल देना सत्य बोलते हैं, 420 है आगे। उदय, उदय मानी निकलना, उदय मानी जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है, और इसका हो जाएगा अस्त, अस्त मानी डूब जाना, अस्त मानी ये है उदय का अस्त। विष, इसके पास जहर बहुत है, ये इस गाले घर वालों को देने का जहर थोड़ा, विष मानी जहर, ये कह रहे हैं मैं तो जहर नहीं पीऊंगा, मैं तो अमृत पीऊंगा भैया, हमेशा एक बार पीऊंगा और जिंदगी भर कभी भी नहीं मरूंगा, अमर हो जाऊंगा, तो इसका विष का होगा अमृत कर गया अमृत, इसके घर वाले सब अमर है क्योंकि नफरत करते हैं। हाँ आना, हाँ इसमें इस घर में बहुत से मेहमान आते रहते हैं और इसमें जाते रहते हैं भैया, ये है जाना। फिर उधार, गरीब है बेचारा उधार लेता है, बैंक से लोन ले लेता, उसमें बताए थे सवाल, ये क्या लेता है उसके पास पैसा बहुत है, इसके पास नकद बहुत माल, नोट बहुत है, इसके 500 के नोट 2000 के नकद, इसका उधार का नकद। मूर्ख, विद्वान, क्या है ये इस घर में पढ़े लिखे बहुत है, पढ़े लिखे बहुत है, इसमें कुवड्डे हैं,
विद्वान, विद्वान का हो जाएगा मूर्ख, इसमें मूर्ख बहुत भरे हुए हैं, सभी लड़ाई लड़ते हैं इसमें, इस घर में। आगे सब, सब मतलब कल्चर, कुर्सी पर नहीं बैठते हैं वो से बच्चे, लेके बैठते हैं यहाँ पर, वो असभ्य बच्चे हैं। कैसे हैं? हाँ, कल्चर उनका सही नहीं है। तो सब वाली सभी समझदार लोग हैं इस घर में, इस बारे में इसमें है, कैसे असभ्य लोग हैं जो कि छोटे बड़े का लिहाज अदब रेस्पेक्ट नहीं करते। फिर आया बसंत, बसंत में इस घर में यानी क्या हरियाली हरियाली है, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे काम करते हैं, सब हैं इसमें। क्या इसमें मक्कार लोग रह रहे हैं, मूर्ख लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पतझड़ बसंत का है, हरियाली फैली हुई है, यहाँ पतझड़ हो गया, यहाँ पर सारे पत्ते उड़ गए, सारे लोग उड़ गए, यहाँ खुला, ये मेहमानों के लिए अपने घर खुला रखते हैं, और ये रखते कोई आना जैसे हमारा नकद पैसा खा जाएंगे हमारा। निंदा, निंदा मतलब बुराई करना। इस घर के कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई भी करते हैं, क्या करते हैं? बुराई, बुराई। और इस घर में जो है वो लोगों की प्रशंसा या तारीफ भी करते हैं। बताइए किस किस के समझ में आया ऐसे पढ़ाने में। थैंक यू वेरी मच।